एक बी अम खबर है डीआईजी सकर फातिमा फड़ो कत्ल केस के जांच वारसन की मुतालबे से डीएसपी सीटीडी अब्दुल कदुस कलवड़ हवाले कर छी है। खबर वाकनी डीआईजी सकर फातिमा फड़ो कत्ल केस की जांच वारसन के मुतालबे से डीएसपी सीटीडी अब्दुल कदुस कलवड़ हवाले कर छी है। फातिमा फड़ो के वारसन तरफा जांच आफिसर से खदशा जाहिर किया वह हुआ ए अब्दुल कदुस कलवड़ के जांच आफिसर मुकर्र कर मुतालबो किया हो। अवां के आम खबर ही डीआईजी सखर तरफा फातिमा फड़ो केस की जांच वारसन के मुतालबे से डीएसपी सीटीडी अब्दुल कदुस कलवड़ हवाले कई वही है। इन हवाले से तफसील लाइन से मौजूद है केटी न्यूज के रिपोर्टर सरकस सदा जी। सरकस अपडेट कजो। जी काजिर आबेल शहीद जान मोहम्मद महर का खैरपुर की जो फातिमा फरड़ो है उनको केस भी सखर पुलिस रेंज का सीटीडी सखर दा मुंतकिल अड़ो नोटिफिकेशन भी जारी किया। डीआईजी सखर अब्दुल हमीद खोसे की सिफारिश से आईजी सिंध पारा यो केस सखर रेंज का वापस वी सीटीडी सखर दा मुंतकिल किया है जिनकी जांच हाने सीटीडी सखर जो जो डीएसपी है अब्दुल कुदूस कलवर वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन क्राइम उनके पारा नोटिफिकेशन जारी किया जैमें यो जाना वह है तो फातिमा फड़ वाले केस की तकड़ी ए मेरिट से जांच करने लाए यो केस सखर रेंज पुलिस का सीटीडी सखर दा मुंतकिल किया है तो जी उनमें तकड़ी जांच थी सके अड़ो नोटिफिकेशन भी जारी किया है। डीआईजी के नोटिफिकेशन का डीआईजी सखर पारा खैरपुर पुलिस के हिदायतों कई वन तो फातिमा फड़ वाले केस जो जो फाइल है वो सीटीडी सखर के हवाले किया वे तो जी जांच है वह सीटीडी सखर इन केस की कर इन अगमें शहीद जान मोहम्मद महर जो जो कत्ल केस हो वो भी सखर पुलिस रेंज का वापस वी सीटीडी सखर दा मुंतकिल किया है उनकी जांच भी अब्दुल कुदूस कलवड़ करे पो फातिमा फड़ो वो जो केस है वो भी हाँ उन डीएसपी सीटीडी अब्दुल कुदूस कलवड़ के दिनों वो है जांच के लिए। जी वही अपडेट कर सदा।